सांची से खबर है जहां पर सांची रिपोर्ट नेशनल हैंड अधिवक्ता राजेश कुमार की रिपोर्ट सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक खत्म हो गई है। ईडी कार्यालय में और नेतृत्व परिवहन परिवर्तन की चर्चाओं के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। बैठक के बाद मंत्रियों और सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा है कि हेमंत सोरेन उनके नेता हैं और रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। ईडी कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे, वापस भी चुनाव जीतेंगे। आज बैठक में क्या कुछ हुआ है? बैठक में क्या हुआ है? आराम से रखिए। हम जी बैठक में क्या हुआ है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गठबंधन के सभी माननीय विधायक आज इस बैठक में उपस्थित हुए और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो वीडियो कॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से बात की और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो भी सदस्य आज इस बैठक में थे उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, बाकी हम लोग पूरी तरह से तैयार। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई है। और ये जो आवश्यकता आपने पूछा कि क्यों परी, हम माननीय विधायकों के साथ अगर बैठते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ने की क्या जरूरत है? वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति इस राज्य में उत्पन्न हुई है इसलिए ये बैठक बुलाई गई और कुछ चीज़ों पर विराम लगाने का भी काम किया गया। जो अफवाहें उड़ रही थी अखबारों में, मीडिया में, उस पर भी विराम लगाने का काम आज इस बैठक के माध्यम से किया। राज्यसभा इस्तीफा क्यों हुआ है? आपको बधाई भी दी जा रही है। वही तो बता रहे हैं भैया, छोड़िए छोड़िए, कोई हमारा किसी तरह का कोई इसमें राज्यसभा को लेकर कोई बात हुई है सर? राज्यसभा पूरी कर दीजिए सर। आपने विधायकी से इस्तीफा दिया, मुस्कुराहट भरी हुई है, कोई तो बात है, प्रमोशन है। हम हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। प्रमोशन है सर आपका? आप मेरे बारे में नहीं जानते जी। मैं 1980 का MLA हूँ जी। कितने बरस हो गए जी? कितने आपकी उम्र कितनी है जी? इसलिए मैं हर हाल में मुस्कुराते रहता हूँ। बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी को जरूरत थी, मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसको इस्तेमाल। अच्छा सरफराज जी, मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है, आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। देखिए अभी अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया, अगर जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। प्लान बी का हिस्सा है सर, प्लान बी कह सकते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं। आपकी मुस्कुराहट कह रही थी सरकार को जी? अच्छा इस्तीफे के लिए मैं पार्टी में हूँ, MLA और MP होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया, बुलाया गया था, बिल्कुल मुझे बुलाया गया था। चाय पिया गया, पिकनिक हुआ सर क्या? अभी और होता रहेगा। मैं चलिए, शुक्रिया, और जारी रहेगा।